हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट सेकंड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रहे थे हमने आपके लिए, जो 22 क्वेश्चंस लाए थे पिछली बार, जिसके अंदर से दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए थे, है ना। प्रश्न नंबर 21 और 22 वाला ये होमवर्क थे, और इससे पहले 20 क्वेश्चन हमने जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए उनके आधार पर ये लेक्चर है, ठीक है। तो ये लास्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, हम इसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं, और इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। जिसने ये नहीं देखा, सबसे पहले उसको देख लीजिए। और इसके अलावा आप ये हमारे चैनल पे सीईटी का कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिसने नहीं देखा वो इसे जाके कंप्लीट कर लीजिए। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, प्रश्न नंबर 21 ये आपको होमवर्क दिया गया था, और प्रश्न नंबर 22 भी आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है। तो देखो, प्रश्न नंबर जो 21 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न आया था लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2 अगस्त 2020 को, ये प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है पूछ रहा है। अब देखो, कुंजी पटल क्या होता है, इसकी कीबोर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। कुंजी पटल क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये तो इनपुट डिवाइस हो गया। फिर प्रिंटर, माउस और स्टाइलस, तो ये अब आप इस तीन, आप जो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर 10 से 15 सेकंड में आप लिखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। 10 से 15 सेकंड में जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए, होमवर्क का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है। देखो, माउस है, इससे भी क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। और स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस पेन होता है, ये रहा पेन, ये रहा, ठीक है, इसको स्टाइलस बोला जाता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गया, इससे भी अपन इनपुट कर रहे हैं। पर प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आ जाइए, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर में अगर इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी जिसके बिना ये काम नहीं कर पाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड 2 अगस्त 2020 को ये प्रश्न पूछा गया था। वाईफाई, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और पेन ड्राइव। अब देखिए, आपको लप्पा नहीं मारना है, आपको ये सोचना है, अगर आपके कंप्यूटर में वाईफाई नहीं आ रहा है तो क्या आप उसमें फ़ोटो सेव कर सकते हैं अपनी, क्या उसमें गेम खेल सकते हैं, हाँ खेल सकते हैं, फ़ोटो सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर काम कर रहा है ना, तो वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटरनेट के बिना भी आप ये दोनों काम वापस से कर सकते हैं, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेन ड्राइव, अगर आपके पास पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में कोई डाटा नहीं है, खाली पड़ी है, ठीक है, तो क्या आप कंप्यूटर काम कर सकते हैं, तब भी आप ये फ़ोटो, गेम खेलना और कुछ और काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। और 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको बताई दिया। आज ये प्रश्न नंबर 23 देखिए, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्ति की बात कर रहा है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर में, स्कैनर का, कीबोर्ड का, वीडियो का या पंच कार्ड का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आप कंप्यूटर में इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो ये चीज़ नहीं होगी तो कंप्यूटर में काम करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 23, 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो भी आप क्वेश्चन को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, या फिर खुद से भी कमेंट में मत लिखिए, आपने खुद से कहीं लिख लीजिए, ठीक है, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। पर ये है कि जब आप कमेंट करते हैं या आपने कोई गलती कर दी है, तो उसका जब आपको रिप्लाई मिलता है और उसको करेक्ट कर दिया जाता है, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है, हमेशा याद रखना। तो आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, इसे शॉर्ट टर्म तक, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर ज़रूर दें। तो देखिए, अब स्कैनर हम कभी कभी यूज़ करते हैं थोड़े से समय के लिए, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। वीडियो, अब ये जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जब भी अपन कोई वीडियो चलाएंगे तभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर में हम हमेशा तो वीडियो नहीं देखते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, तो इसकी भी कम ज़रूरत पड़ेगी। और पंच कार्ड की भी हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ऐसा जब हमें कोई पर्टिकुलर टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए हम पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं। पर कीबोर्ड है, इसका हर वक्त इस्तेमाल होता है, तो सबसे ज़्यादा निवेश युक्ति कौन सी हो गई, कीबोर्ड हो गई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और पंच कार्ड ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये होता है पंच कार्ड, ठीक है। इस तरीके से पेपर होता है, उसमें पंच कर देते हैं, कोडिफाई। और इस जैसे मान लीजिए आपको क्या होता है, जैसे
आप कोई कार लेकर आ रहे हैं ना, जनरली इनका इस्तेमाल किस में किया जाता है, कार पार्किंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक पंच कार्ड दे दिया जाएगा, जैसे ही आप इसको मशीन में घुसाएंगे तो गेट खुल जाएगा और आप अंदर चले जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। गेट खोलने बंद करने के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 24, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। अब नीचे जो दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 29 दिसंबर 2019 को प्रश्न पूछा गया था, ये बताइए। प्रिंटर, स्पीकर, वीडियो या इनमें से कोई नहीं। इनमें से ये जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें सबसे ज़्यादा आप किसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मान लीजिए प्रिंटर, स्पीकर और वीडियो, वही आपको क्या करना है, 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आराम से सोचकर, ठीक है। जल्दी सोचिए और इसका आंसर लिखते रहिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ जब तक। आई थिंक अब आप देखिए आपने क्या होगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा वीडियो को पोस्ट करके। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलो पहले ही बताऊँ, क्या सबसे ज़्यादा हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, सुबह शाम रात दिन, नहीं। क्या स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं। वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, हाँ। सबसे इनमें सबसे ज़्यादा हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा, ठीक है। अपन को क्या ये देखना होता है कि अपन जो अपने पास जो चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ये प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। कंप्यूटर के लिए माउस मूसा प्रणाली को किसने बनाया। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 29 दिसंबर 2019 को प्रश्न पूछा गया था, और जब हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाए थे तो उसमें जो माउस था और अदर अदर खोजकर्ताओं थे उनके नाम बताए थे। तो ये खोजकर्ता का नाम बता रहा है कि किसने इसे इन्वेंट किया है। डी सी इंजलबर्ट, इंटेल, IBM या टेड हॉल्फ, बताइए किसने मूसा प्रणाली को विकसित किया है, किसने बनाया है। प्रश्न नंबर 25, इसका आंसर क्या करना है, 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DC इंजलबर्ट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, ठीक, बताइए। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 29 दिसंबर 2019 को प्रश्न पूछा गया था। तो प्लॉटर जो निर्गत युक्ति है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले तो आपको प्लॉटर नाम पढ़ते ही प्लॉटर के बारे में पता चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्लॉटर याद नहीं आ रहा, प्लॉटर की ड्राइंग याद नहीं आ रही कि प्लॉटर होता किस तरह का है, तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे बताइए। अब देखिए पंच कार्ड, पंचिंग कार्ड, पंचिंग ग्राफ, पंचिंग चुंबकीय टेप, पंचिंग पेपर टेप। अब देखो इसका आंसर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप अल्टप्पा ही मारेंगे अगर आपको नहीं आता हो। तो मैं आपको प्लॉटर दिखाता हूँ सबसे पहले। यहाँ देखिए ये हो गया आपके सामने प्लॉटर। प्लॉटर मतलब एक तरीके से प्रिंटिंग मशीन हो गई बहुत बड़ी, जिसके अंदर से क्या है, ग्राफ्स प्रिंट हो रहे हैं। ये देखिए ग्राफ हो रहे हैं, ग्राफिकल फोटोज़ रिप्रेजेंटेशन प्रिंट होकर निकल रहा है। अब यहाँ देखिए नाम पढ़िए, क्या ये पंचिंग कार्ड है, क्या ये पंचिंग ग्राफ है, या पंचिंग टेप है, या पंचिंग पेपर टेप है। अब बताइए जल्दी से आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ये पंचिंग ग्राफ है, है ना। ग्राफिकल इमेजेस को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी डेफिनेशन अगर याद रहेगी तो आप इसका आंसर सही करके आते, अगर आप लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 29 दिसंबर 2019 वाला पेपर दे रहे होते। आ जाइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अब बताइए कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 22/9/2019 को प्रश्न पूछा गया था। इनमें से कंप्यूटर का दिमाग किसे कहेंगे, प्रोसेसर को कहेंगे, मेमोरी को कहेंगे, मदरबोर्ड को कहेंगे, या कीबोर्ड को कहेंगे, बताइए इनमें से कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है, प्रोसेसर है, कीबोर्ड है, मेमोरी है, या मदरबोर्ड है। तो जल्दी से इसका आंसर 15 से 20 सेकंड में वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रोसेसर कंप्यूटर का क्या होता है, दिमाग होता है। जैसे मान लीजिए आपको भी कुछ प्रोसेस करना है तो अपने दिमाग में ही तो करेंगे आप, ठीक है। आप मेमोरी है तो स्टोर करके रखते हैं दिमाग के अंदर, पर इसे दिमाग नहीं कहा जाएगा, फिर ये स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट करने के लिए, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में तो ये सारे प्रोसेसर, मेमोरी कार्ड ये सब कनेक्ट होते हैं, तो ये मदरबोर्ड अलग होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। स्वचालित रूप बताना है आपको, कनिष्ठ अनुदेशक COPA में पूछा गया था, 24/3/2019 को प्रश्न आया था ये। ऑटोमेटिक, प्लग एंड प्ले, इंस्टॉल और सीरियल पोर्ट, ठीक है।
तो कौन सा स्वचालित रूप से है। अब आप देखिए ये नाम पढ़िए, जैसे ऑटोमेटिक है तो कोई काम अपने आप खुद ब खुद होता जा रहा है कंप्यूटर में, तो उसको स्वचालित रूप से थोड़ी पहचान रहा है, वो तो अपने आप हो ही रहा है ना। प्लग एंड प्ले, जैसे ही आपने कंप्यूटर में कोई चीज़ प्लग करी तो कंप्यूटर उसको खुद से पहचान लेगा और खुद से ही प्ले कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा हमारा आंसर, डायरेक्ट ही निकल गया। ठीक है, अगर आप भी एग्ज़ाम में कोई जब पेपर आ जाए तो ये मत सोचें कि आपने ये पढ़ा नहीं है, ये नहीं करा, आप बस क्वेश्चन को पढ़ें और सोचें कि क्या इसका आंसर मैं दे पाता हूँ इसके आंसरों से, इसके जो ऑप्शंस हैं। ठीक है, जब जैसे सीरियल पोर्ट है तो सीरियल पोर्ट को सोचना बंद करें, आप बस ये सोचें सीरियल पोर्ट हो सकता है तो सीरियल पोर्ट क्या होगा, इस तरीके से सीरियल में पॉइंट्स बने होंगे। ठीक है, सीरियल पोर्ट बता रहा है, इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं। आ जाइए, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 29, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, कनिष्ठ अनुदेशक COPA 24/3/2019 में प्रश्न पूछा गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, USB पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और VGA पोर्ट। देखिए सबसे पहले तो आपको पैरेलल पोर्ट और VGA पोर्ट दिखाते हैं, आ चलो देखिए ये जो पोर्ट है आपके सामने ये है पैरेलल पोर्ट और ये जो दूसरा पोर्ट है ये है सीरियल पोर्ट। ठीक है, अब आपने इनको देख लिया, अब इनमें डिफरेंस देखिए, सोचिए क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं सारे पॉइंट्स, परंतु इसके अंदर कोई पिन नहीं है, ये सब अंदर घुसाई जाएगी पिनों के, है ना, और इसके अंदर पिन है, तो इस तरीके से ये पोर्ट बनाए गए, तो ये हो गया पैरेलल पोर्ट और ये वाला सीरियल पोर्ट। आ जाओ, अब देखिए पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, क्या पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, क्या सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या VGA पोर्ट से कनेक्ट करेंगे भैया, नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो कैसे करेंगे, USB पोर्ट से करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। VGA पोर्ट किसका इस्तेमाल करती है, VGA पोर्ट विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है इसकी फुल फॉर्म, और वीडियो के लिए चलाई जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है, कनिष्ठ अनुदेशक COPA 24/3/2019 में प्रश्न पूछा गया था, तो इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और केंद्रीय संसाधन इकाई, तो बताइए कौन सा मैच नहीं खाता है। देखो माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड ये सारे क्या है, कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। ठीक है, पर केंद्रीय संसाधन इकाई का हमने क्या कंप्यूटर में नाम पढ़ा है, तो यही मैच नहीं खा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। आ जाओ 31 देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, लेजर प्रिंटर है, कनिष्ठ अनुदेशक COPA 24/3/2019 में पूछा गया था, लेजर प्रिंटर इनमें से क्या होगा, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बताइए लेजर प्रिंटर इनमें से क्या होगा, क्या लेज़र प्रिंटर से एक एक लाइन में लिखे जाते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के डॉट 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 करके लिखा जाता है, बैंड प्रिंटर का इस तरीके से गोल गोल घूम के लिखता है, तो बताइए तो ये क्या होगा, लेज़र प्रिंटर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, पेज प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर क्या है, एक पेज प्रिंटर है। अजय प्रश्न नंबर 32, कंट्रोल एम शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। ये कनिष्ठ अनुदेशक COPA 24/3/2019 से पूछा गया है, एक एडजस्टमेंट कुंजी है, फंक्शन कुंजी है, मॉडिफायर कुंजी है या फिर अल्फा न्यूमेरिकल कुंजी है। ठीक है, तो बताइए प्रश्न नंबर 32 का आंसर, 15 से 20 सेकंड आराम सोच के वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए प्रश्न नंबर 32 का। ठीक है, तो देखिए क्या हम इसे एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन की कितनी होती है कंप्यूटर में, F1 से लेकर F12 तक होती है, ये कितनी होती है, F1 से लेके F12 तक होती है फंक्शन की कंप्यूटर के अंदर, तो क्या ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट किसी प्रकार की, किस प्रकार की कुंजी है, क्या फंक्शन की है ये, कंट्रोल प्लस सी क्या इनमें से आती है, नहीं इनमें से भी नहीं आती, एडजस्टमेंट की भी नहीं है। क्या ये अल्फा न्यूमेरिकल की हैं, क्या हम इनसे गणित के शब्द भी लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो कौन सी की हो गई, मॉडिफायर की हो गई, ये मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको सोच के आंसर देने चाहिए जिससे आपका आंसर बिल्कुल सही जाए। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस है, पॉइंटर है, पेन इनपुट पॉइंटर है क्या, ट्रैक बॉल पॉइंटर है क्या, कीबोर्ड पॉइंटर है क्या, तो कीबोर्ड क्या है, पॉइंटर नहीं है, बाकी सारे पॉइंटर हो जाएंगे, प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलें, प्रश्न नंबर 34, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, कनिष्ठ अनुदेशक COPA 24/3/2019 से पूछा गया था, पिक्सल बड़े होंगे, स्क्रीन कम साफ होगा, पिक्सल के अलावा या पिक्सल नज़दीक होंगे, तो जल्दी से बताइए, 20 से 25 सेकंड आराम से सोचिए, इसका आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है,
तो पिक्सल बड़े होते हैं क्या, इसके अंदर मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये कंप्यूटर होगा, अब ये इस तरीके से इसमें लाइनें होती हैं, तो ये जो डॉट्स होते हैं ये हर लाइन में गैप कम होगा या ज़्यादा होगा बता, ये ज़्यादा से जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा तो उतने ज़्यादा अक्षर क्लियर दिखाई देंगे या उतने ज़्यादा बेकार दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरीके से सोचिए और फिर आंसर दीजिए। पिक्सल बड़े होंगे, अब ये पिक्सल होगा, जैसे मान लीजिए ये पन्ने बनाया, ठीक है, अब इनमें गैप इस तरीके का है, तो आपको ये रिजोल्यूशन ज़्यादा को दर्शाता है कम को दर्शाता है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला है, अब इसमें इतने नज़दीक है कि आपको ये ही नहीं पता चल रहा कि इसमें लाइनें कहाँ से खींची गई हैं, ठीक है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। जब आप इसके अंदर वीडियो या फोटो देखेंगे तो आपको कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल साफ दिखाई देगी या यहाँ बिल्कुल साफ दिखाई देगी, या इस ए पॉइंट में ज़्यादा साफ दिखाई देगी या इस बी वाले में ज़्यादा साफ दिखाई देगी। जिसमें ज़्यादा साफ दिखाई देती है उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसको सोचिए, पिक्सल बड़े होंगे या पिक्सल बड़े बड़े, एक ये इतना बड़ा पिक्सल हो गया इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर पिक्सल आपको दिख ही नहीं दे रहे, तो पिक्सल बिल्कुल नज़दीक होंगे या पिक्सल बड़े होंगे, जल्दी से इसका आंसर सोच के कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। स्क्रीन कम साफ होगा ये तो हटा दीजिए, और पिक्सल के अलावा, ठीक है, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिक्सल क्या होंगे, नज़दीक होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल नज़दीक होते हैं उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन अच्छा होता जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलें, 35। PDF का लघुतम रूप है ना, तो PDF है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डेटा फॉर्मेट या फिर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बताइए। प्रश्न नंबर 35 सूचना सहायक 2018 में प्रश्न पूछा गया था, 35 का आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में 15 से 20 सेकंड में, आराम सोच के इसका आंसर लिखिए। पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट नहीं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रिंटेबल या प्रिंटेबल नहीं, पोर्टेबल सही होता है, प्रिंटेबल नहीं, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, आप इधर से उधर कैरी करके ले जा सकते हैं आराम से, ठीक है, चाहे सिर्फ चाहे प्रिंट करके ले जाएं, चाहे पीडीएफ में ले जाएं, चाहे आप मेल कर दें, ठीक है, इसीलिए पोर्टेबल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आ जाए प्रश्न नंबर 36 देखें, पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। पैरेलल, सीरियल, R45, RI-11, LDC परीक्षा 12/8/2018 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन CET में रिपीट हो सकता है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो बताइए। पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, पैरेलल से नहीं, RJ-45 नहीं, RJ-11 नहीं, सीरियल पोर्ट, ठीक है, किससे जाना था, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 37, प्रोसेस्ड डेटा एम इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं वह डैश कहलाते हैं, सूचना सहायक 2018 में, इंफॉर्मेशन सेट, नॉलेज, रो डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा। अब देखो प्रोसेस्ड डेटा है, आपने कुछ प्रोसेस करके डेटा लिया है ना, या फिर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन से जो आप निष्कर्ष रिजल्ट निकालते हैं वह क्या कहलाएंगे, प्रश्न नंबर 37, इसका आंसर आपको क्या करना है, 20 से 25 सेकंड में आराम से सोच के आंसर लिखिए, ठीक है। अगर आपने कोई डेटा है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक किताब है या फिर आपके पास एक चार्ट है, एक पेपर है, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये आपको रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब ये आपके लिए क्या है, इससे जो आप निष्कर्ष निकालते हैं वह इनमें से क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन सेट बोलेंगे क्या आप इसको, जो आपने प्रोसेस डेटा या इन्फॉर्मेशन से जो रिजल्ट निकाले, निष्कर्ष निकाला है, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा क्या, ये आपके रो डेटा है क्या, रो डेटा तो नहीं है, क्योंकि रो डेटा तो इससे पहले वाला डेटा होता है और ये तो बाद वाला डेटा है ना, फाइनल डेटा है, और स्टैटिस्टिकल डेटा है कि ये स्टैटिस्टिकल डेटा कौन सा होता है, प्रोसेस डेटा होता है, और आपने इससे क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला है, तो ये दोनों तो वैसे भी कट जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन की सेट है, कि इन्फॉर्मेशन तो ये रही भैया, ऊपर जो दे रखी है ना, जिससे आपने रिजल्ट निकाला उसे इन्फॉर्मेशन सेट नहीं बोलते, उसे बोलते हैं नॉलेज, ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉलेज बोलेंगे। अजय प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, कंप्यूटर जगत में क्वेटी किसका किसका प्रकार है, ठीक है, सॉरी RPSC HM Exam, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था RPSC ने HM Exam में 2/9/2018 को,
तो क्वेटी किसका प्रकार पूछा है, मदरबोर्ड में क्वेटी दिखती है क्या, नेटवर्क में दिखती है क्या, कीबोर्ड में दिखती है क्या, मेमोरी कार्ड में दिखती है, बताइए जल्दी इसका आंसर 15 से 20 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक ऑप्शन तो वैसे ही मैंने काट दिया, नेटवर्क में, मेमोरी कार्ड में या फिर कीबोर्ड में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेटी क्या है, कीबोर्ड में दिखाई देता है। क्वेटी शुरू के 5 अक्षर 6 अक्षर हैं कंप्यूटर में, ठीक है। जब आप कंप्यूटर में कीबोर्ड में इस पढ़ना चालू करते हैं तो QWERTY इस तरीके से आपको शुरू के 6 अक्षर दिखाई देते हैं। आज ये प्रश्न नंबर 39, प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता प्रिंट क्वालिटी में दी जाती है। RPSC HM एग्जाम में पूछा था पेपर प्रति मिनट, RPPM डॉट प्रति इंच, DPI रोटेशन प्रति मिनट, RPM या फिर क्रोमेटिक नंबर। जो प्रिंटर की मुद्रित गुणवत्ता प्रिंट क्वालिटी डैश में दी जाती है, तो किस में दी जाती है इनमें से, प्रश्न नंबर 39। जब भी अपन बोलते हैं ना प्रिंटर डॉट पर इंचेस, कभी आपने नाम पढ़ा हो ढंग से तो आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। प्रिंटर का क्या हो जाएगा, किस में दी जाती है, डॉट पर इंचेस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 40, कंप्यूटर के पेरिफेरल उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। सूचना सहायक 2018 में प्रश्न पूछा गया था, तो IEEE नामक ASCII SV और पेरिफेरल मानक है। आज 14 जनवरी है, बाहर पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, और ये वो आते हैं ना घर पे तो वो ढोल बजा रहे हैं। तो बताइए प्रश्न नंबर 40 क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। कंप्यूटर के पेरिफेरल उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसकी आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है कौन सा, IEEE मानक, ASCII मानक, SV मानक, कौन सा, SV मानक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, पेरिफेरल मानक ये भी नहीं होगा, ठीक है। आज प्रश्न नंबर 41, MICR से तात्पर्य है। अब देखिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, आपके लिए होमवर्क है, बताइए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपको पता ही है, बताया कई बार, 20 से 25 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैंने ही आपको बोल दिया, परंतु फिर भी आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। LDC एग्जाम 2018 में दिया गया था। और प्रश्न नंबर 42 ये भी आपके लिए होमवर्क है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या फिर ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो 41 और 42 वाला नंबर आपके लिए क्या गया, होमवर्क हो गए, और इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो बताइए 42 में इनपुट डेटा आउटपुट या फिर सर्किटरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न नंबर 41 और ये 42 ये आपके लिए होमवर्क हो गए। अब इसका जो पार्ट थर्ड है वो हम कल लेकर आ जाएंगे, आप बस इनके क्वेश्चनों के आंसर लिखिए और कमेंट सेक्शन में लिखे बताइए कि आपको इसका पार्ट थर्ड चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, बाय, और सभी क्वेश्चनों का आंसर देते रहिए। और हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक आप सब लोग खुश रहिए। और इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर आपको पार्ट थर्ड में दे दिए जाएंगे, उससे पहले आप भी इनका आंसर, इनके बारे में मतलब ये जो आपसे दोनों होमवर्क के क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, बाय।